छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बड़े नेताओं के घर ईडी ने रेड की कार्रवाई की है। इस वक्त हम भिलाई के सेक्टर 5 में स्थित है, जहां पर कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के घर भी ईडी ने छापा मारा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वही देवेंद्र यादव का विधायक का घर है, जहाँ पे भजन कीर्तन चल रहा है, महिलाएं भजन गा रही है और तमाम तरह के जो कांग्रेस के जो नेता है, कार्यकर्ता है, सुबह से ही यहां धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। ईडी घर के अंदर कार्रवाई कर रही है, विधायक देवेंद्र यादव भी घर के अंदर मौजूद है। आपको ये बता दें कि ये वही देवेंद्र यादव है जो कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा में देवेंद्र यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, वही देवेंद्र यादव के घर आज ईडी ने छापामार कार्रवाई की है। सुबह से ये कार्रवाई चल रही है, लोग डटे हुए हैं, प्रदर्शन जारी है, भजन गा रहे हैं, हनुमान चालीसा कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं और अब तो ये देखिए रात के सोने का भी व्यवस्था किया जा रहा है। बकायदा गद्दा उद्दा यहाँ पे पहुँच रहा है, रात में यहाँ पे रात भर यहाँ प्रदर्शन चलेगा, ये गद्दे तमाम मंगा लिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पे रात भर प्रदर्शन चलेगा, गद्दे में सोया जाएगा लेट कर, शायद अब भजन भी रात भर चले। दूसरी तस्वीर आपको ये भी दिखाता हूँ मैं, आप इधर आइए। यहाँ पर कार्यकर्ताओं को खाने का भी पूरा इंतजाम किया गया है, खाने पीने का इंतजाम किया गया है। आप देखिए वहाँ पे ईडी की टीम देवेंद्र यादव के घर में कार्रवाई कर रही है। देवेंद्र यादव अंदर है लेकिन उनके घर के बाहर चाय की पूरी व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, यहाँ पे खाने का हलवा दिया जा रहा है। हलवा खा रहे भैया? हाँ। कैसा लग रहा है? ठीक तो ठीक है। खाने ही आए हैं कि क्या करने आए हैं? खाने ही तो आए हैं। अरे प्रदर्शन में हुँ? प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है जो कांग्रेस थोड़ा देख लिए लेकिन घूम ले आ गए तो भीड़ थी तो रुक गए। ठीक है, खाओ खाओ। आप लोग भैया कहाँ से प्रदर्शन में शामिल? हाँ, प्रदर्शन में शामिल हैं, 9 बजे सुबह से आए हुए हैं। पूरी व्यवस्था है यहाँ पे? व्यवस्था अपनी इसलिए है क्योंकि लोग निस्वार्थ भाव से यहाँ पर आए हैं, तो ये कर्तव्य बनती है कि हम उनके लिए जो कर पाए, और ये किसी राजनीतिक सोच विचार से नहीं किया गया है, ये जिसका जो मन आ रहा है अपनी तरफ से निस्वार्थ भाव से। प्रदर्शन करेंगे तो भूख और प्यास तो लगती ही है। लोग जा के यहाँ पास में है, सब अपनी से आए हैं, किसी को बोला भी नहीं गया था कि आप आए। न्यूज चैनल ये गद्दा उद्दा भी आया है रात भर सोने, हाँ जिसको जो लग रहा है अपनी तरफ से कर रहा है क्योंकि कोई जाने वाला नहीं है तो हमको लग रहा है तो हमने कुछ नहीं, कर नहीं, आप कांग्रेसी हैं? कांग्रेस पार्टी नहीं तो गद्दा आया है तो रात में सो के प्रदर्शन। हाँ हाँ, हम अपने भाई देवेंद्र यादव के साथ 24 घंटे आ रहेंगे, जब तक हम उनको नहीं देखेंगे तब तक हम यहाँ से कोई जाने वाले नहीं। क्या नाम है आपका? मोनेश बंछोर। मोनेश बंछोर है कांग्रेस के कार्यकर्ता है, ये लगातार यहाँ पे इसी तरह से डटे हुए हैं जब तक देवेंद्र यादव के ऊपर जो कार्रवाई ईडी करती रहेगी तब तक यहाँ पे हड़ताल रहेगा। फिलहाल अभी रात होने जा रहा है, लगभग रात हो ही चुका है और यहाँ पे लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार भजन कीर्तन चल रहा है। कांग्रेस के नेताओं का यह कहना है कि जब तक ईडी घर से बाहर नहीं निकलेगी तब तक हम इसी तरह के आंदोलन करते रहेंगे और ईडी अगर जितना देर करेगी उतना आंदोलन उग्र होगा। दिलीप शर्मा, ABP News, दुर्ग, छत्तीसगढ़।